अपने आप को उस गलत रास्ते पर जाने नहीं देना है। तो उसी अगर आप आज की डेट में एक सही रास्ता चूज करोगे, वो रास्ता चाहे लंबा होगा चाहे मुश्किल होगा, पर वो जो रास्ता है आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। अगर वो मतलब पहले बड़े अच्छे से बात करता था, हंसी से बात करता था, खेलने आपके साथ जाता था, आपसे बातचीत करता था, अगर आप उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आपको, अपने टीचर से बात करने की कोशिश कीजिए, उसके घर वालों से बात करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उस बंदे को, उस स्टूडेंट को, उस फ्रेंड को, मैंने बहुत जगह जाके हमने ये प्रोग्राम्स किए, बहुत अच्छा लगता है उनको उस टाइम की भाई हाँ कोई स्टाइल है कुछ वो है, मोबाइल में देखा ये हो गया, मतलब बड़ा अच्छी बात है। पर जब उस दलदल में आप यहाँ पे आए हैं तो अच्छे तरह से पढ़ाई करें और अपने आप को ड्रग्स वगैरह से भी बचा लें, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा तो डॉक्टर को नहीं बताया। जैसा कि यहाँ पर अभी डिफरेंट स्पीकर्स ने हेल्थ की इम्पोर्टेंस पर लाइट करते हुए डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो सामने लाए, तो यही चीजें इम्पोर्टेंट हैं जो कि आज के दिन में हमने एलाबोरेट करनी है और एक मैसेज देना है अपनी जनरल पब्लिक को कि हेल्थ जो है इसके क्या इशू हैं, हेल्थ के बारे में आपको आपका क्या रोल है, और आज की जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम एक सोसाइटी का मेंबर होने के नाते हमने क्या करना है। पैदा होते हैं वो आज हमारा कम होकर 2 पे आ चुका है, जबकि उस वक्त जो है 3.5 समथिंग का। तो ये सारी चीज़ें तभी हुई हैं देखते हुए, वहाँ नेशनल लेवल पर ये मनाया जा रहा है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हमने भी यहाँ पर AMT स्कूल में ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया है। 7 अप्रैल हर साल जो है ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। जैसे कि हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाउंडेशन जो है 7 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, उसी ज़िमन में इस चीज़ को इसके साथ जोड़ा गया है और एवरी ईयर जो है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। इस साल का जो थीम था वो था हेल्थ फॉर ऑल, कि हमारे जितनी भी सोसाइटी है उसको हेल्थ जो है उसकी मेंटेन होनी चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा था, डिफरेंट इश्यूज जिनसे हमारी हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ता है, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो डिस्कस हुआ यहाँ पर, नशा में कुछ हमारे नौजवान जो लतपत हो चुके हैं उसको कैसे कंट्रोल करना वो चीज़ें डिस्कस की। उसके अलावा जो हमारी डिजीज़ हैं जिनसे हेल्थ हमारी सफ़र होती है, तो उसमें हमारी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ें वो डिस्कस हुई यहाँ पर। उसके बाद अलावा जो है हमारा इस वक्त हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट किस लेवल पर ले गई है, वो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम अपने लोगों को बेहतर हेल्थ सिस्टम जो दे सकें, वो चीज़ें डिस्कस हुई। तो मैं आज मीडिया के थ्रू आप लोगों से यही रिस्पेक्ट कहूँगा कि आप ये मैसेज हमारा पब्लिक तक दें कि गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि हम आपसे आपको बेहतर से बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे दे सकते हैं। वो जो फैसिलिटीज़ जहाँ जहाँ तक अवेलेबल है हमारे मेडिकल कॉलेज से लेकर रिमोट एरिया में जो हमारा सब सेंटर है उसको भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिया गया और बहुत सी फैसिलिटीज़ वहाँ पर दे दी गई हैं। सिर्फ पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे सब सेंटर में क्या चीज़ है, वो वहाँ पर हासिल करें उसको, और जो चीज़ उससे बढ़कर होगी तो फिर वो हमारे आगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और यहाँ से अगर ज़रूरत होगी तो मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। लेकिन पब्लिक का जो हम सबसे बड़ी चीज़ फेस कर रहे हैं कि पूरी नॉलेज ना होने की वजह से सीधा वो कहते हैं हमें यहाँ से रेफ़र कर दो चंडीगढ़, सीधा हमें यहाँ से रेफ़र कर दो मेडिकल कॉलेज। भाई अगर इलाज आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता तो आप क्यों आप मेडिकल कॉलेज जाओगे।